क्यों नहीं करूं? हुरिया खूबसूरत है, अच्छे खानदान की है, पढ़ी लिखी है, तुम्हारी तरह बाहर से पढ़कर आई है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी हो, फिर क्या मसला है? एज ए लाइफ पार्टनर मैं अपनी जिंदगी उसके साथ बहुत मुश्किल देखता हूँ। वो एक फर्क सोच रखती है, मैं एक फर्क सोच रखता हूँ। जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती है, वो खुद तुमसे रिश्ते के तलबगार हैं। इस मौके को हाथ से जाने मत दो। और ये जो ये वो सोच अलग रखती है, मैं अलग रखता हूं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूं। तुम अभी शादी नहीं करना चाह रहे हो या हुरिया से शादी नहीं करनी है? एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, सच सच बताओ शादी न करने की असल वजह क्या है? असल वजह तो ये बताओ, कौन है तुम्हारी जिंदगी में, किससे शादी करना चाहते हो? कोई भी नहीं है बेटा। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो हमें। मैं कोई और लड़की नहीं है, आज तक मुझे ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जिससे मैं शादी करना चाहूं। जब मिलेगी तो आप दोनों को जरूर बताऊंगा। बस फैसला हो गया, जब इसे कोई पसंद नहीं है तो मैं चौधरी दस्तगीर से कहता हूं कि हमें इस काम को जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए। लेकिन मलिक साहब, हमें इस मामले को प्रोलॉन्ग नहीं करना है, जिंदगी में और भी बहुत सारे काम। जी, महीना खत्म होने में 10 दिन रह गए। नया महीना शुरू होने से पहले अपना बोरिया बिस्तर समेटें और चलते बने। क्यों? क्यों का क्या मतलब? हमारा घर है, हमारी मर्जी कभी भी खाली करवाएं। एक मिनट, क्या मामला है? इसे कैसे खाली कर दें? उसूल के मुताबिक कमरा खाली करने के लिए एक महीने पहले का नोटिस देना होगा। उसूल के इतने पक्के हो तो अपनी माँ और बहन को लगाम डाल के रखो। हमारी बर्दाश्त से बाहर हुआ ना तो सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लेंगे। आप क्यों नहीं काबू कर लेती अपने परहेजगार शौहर को? खबरदार, उन पे कोई बहुतान लगाए, ऐसे नहीं है। अच्छा, अब एक अच्छा चिट्ठा खोल के हाथ में पकड़ा दूं? मेरी माँ और बहन पे इल्जाम लगाने की कोशिश की तो पर्दाफाश कर दूंगा नजर साहब का। किराएदार हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि डर जाऊंगा। चलो अम्मा। ये तो बहुत खुशी की बात है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। जरूर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। मैंने तुमसे कहा था ना, जो तुम चाहोगी वही होगा। अभी शेर जमान का फोन था, वो एक दो दिन में बाज़ाब्ता तौर पर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आ रहे। आर यू हैप्पी नाउ? थैंक यू सो मच बाबा, मुझे पता है इसमें आपका कितना बड़ा हाथ है। यू आर सच अ बिग सपोर्ट। नहीं बेटा, इसमें मेरा हाथ नहीं है, क्रेडिट गोज टू यू। ये जो शोहरत और कामयाबी तुमने हासिल की है, इसमें हमेशा एक बात याद रखना, शोहरत जितनी जल्दी आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाती है, उतनी ही जल्दी जमीन की पस्ती पर गिराती है।